लेके आ गए होती तेज गर्मी। लावण्या, लावण्या का बैग, तनिष्क उसका बैग, तनिष्क का इतना साइकिल से लेके आ रहे हो इतनी गर्मी में, बाप रे। मैं तो टेंशन बेचारी कितना वजन रखी होगी है ना, बहुत ज्यादा फ्रेंड। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के बजे 8:15 और मैं उठो, मैं तो बहुत देर पहले की उठी हुई हूँ क्योंकि लावण्या और तनिष का लंच बनाया, साथ ही में हर्षु का भी बना दिया क्योंकि स्कूल जाएंगे तीनों साथ, एक सेम ले जाए तो अच्छा है, तो लड़ाई करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि तीनों के लिए सेम लंच बना दो। तो मैंने बना दिया है लंच और ये जे भी रेडी हो चुके हैं हर्षु भैया है ना, मगर इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी रोटी बना दें फिर मैं चाय पीऊं। मैंने बना के रखा है पोहा, ये देखिए बढ़िया। खाओगे पोहा? खाओगे? मुस्कुरा रहे हो, रो रहे हो, उदास क्यों लग रहे हो? चलो ठीक है, हम सफाई कर लें किचन की। बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसके लिए बना देती हूँ मैं रोटी ताकि चाय से खा सके और फिर लंच रख देती हूँ और जल्दी जल्दी बहुत सारे अच्छा है। आज के सुबह जल्दी उठ के सारा काम हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिलहाल अभी मेरे खाना नहीं बना है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश होया बढ़िया। जल्दी देर से उठो ना तो उतना ही काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर जो करो वो करो कुछ नहीं होगा, अच्छा है। तो फिलहाल अभी मैं इसके लिए बना देती हूँ रोटी ताकि ये खा ले। हर्षु को छोड़ने खाना अभी बांध के बनाऊंगी, आधा बना लिया। बोतल भैया तुम छोड़ के जा रहे हो क्या? बोतल जी छोड़ के जा रहे हो क्या? लो ज्यादा गर्मी है भैया है ना, गर्मी है, सुबह का वक्त पहले भी है मगर गर्मी ठीक है। गली अभी स्कूल के बच्चे यार जा रहे हैं, बस छोड़ दिया है स्कूल में उसे, अब 1 बजे लेने आऊंगी या 1:45। जब तक मैं जल्दी से कर लेती हूँ काम और फिर बच्चों के साथ देखते हैं आज क्या होता है दिन में। आ चुके हैं, बहुत थकान हो चुकी, अरे बाप रे, आज सीधी मांग करी तो अजीब लग रहा है। सारा काम हो चुका है, मैंने बनाई है आज पाल के बनाई है ये लौकी की सब्जी और चावल को भगा रही हूँ और ये रोटियाँ। खाना बनाया, गर्मी यहाँ पे चद्दर रहेंगी इस वजह से लग रही है और हवा भी नहीं चल रही है, बादल बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन बादल ही हो रहा है, हवा का कुछ पता नहीं है कुछ बिल्कुल भी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं चावल भगा लेती हूँ, फिर लेने जाना है मुझे हर्षु को। इन काम में बहुत टाइम हो जाता है, हर्षु का टाइम हो चुका है तो मेरे को लेने जाना पड़ेगा 5-10 मिनट बाद क्योंकि 12 बज रहा है और मुझे फिर मुझे चावल भी भगाना है लेकिन थोड़े जब चावल ठंडे हो जाएं तब थोड़े खिले खिले बनेंगे। इसलिए काम करके चलते हैं, हर्षु को लेके आते हैं, खाना भी खाना है तो देखो क्या क्या कर पाते हैं। मैं सोचूँ पहले खाना खा लो फिर चलेंगे हर्षु को लेने के लिए। लौकी की सब्जी और बघरे हुए चावल रोटियाँ खा लेते हैं। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा तो पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी में तो खाने की इच्छा भी नहीं हो रही, वहाँ भूख लग रही है तो खाना तो पड़ेगा। मैं चला लेती हूँ कूलर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हाँ पता है गर्मी इतनी तेज़ है क्या बताएं, बहुत खाना तो ठीक है खाना तो पड़ेगा लेकिन गर्मी से थोड़ा दराज मिल जाती है आवाज़ से। ठीक है खाना खा लेते हैं, हम मैं छुट्टी कर ली और चलते हैं हर्षु के लिए आते हैं। लेके आ गए और इतनी तेज गर्मी के बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो आगे डायरेक्ट लेट गई हूँ मैं और साथ में इधर हर्षु भी। कितनी गर्मी है? भैया बहुत ही ज्यादा गर्मी है, यहीं का पंखा चला लिया, ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाए कूलर चालू करें, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, लेट गई इसके थोड़ी देर बाद मैंने टॉप में आई हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, आंखें तक अजीब सी हो रही थी पूरी गर्मी के कारण। मैं कह रही हूँ लावण्या बेचारी कैसे, लावण्या का बैग, तनिष्क उसका बैग, तनिष्क का इतना साइकिल से लेके आ रहे हो इतनी गर्मी में, बाप रे। मैं तो टेंशन बेचारी कितना वजन रखी होगी है ना, बहुत गर्मी लग रही थी, बैग बैग लिया और लेट गए। ड्रेस चेंज करना है अभी करेंगे, थोड़ी देर आराम कर लें, बहुत गर्मी है भैया है ना। हम दोनों ले जाएगा स्कूल से लेने आएगा उसको, वो जब जैसे ही एकदम से छाया लावण्या भी आई कोई नहीं, एकदम से ये छाया आई, ये देखो यार इसको भी।
और गर्मी कैसी लग रही है ना? बहुत ज्यादा गर्म है भैया, थकान बहुत है। जल्दी आके ले ले, पसीने पसीने हो गए। इतनी स्पीड में बादल हो गए, इतनी तेज धूप थी, बादल हो गए, अंधेरा अंधेरा हो चुका है पूरा। अच्छा पानी आ जाए तो अच्छा, नहीं तो बस बादल हो के रह जाएंगे, बूंद बूंद तो आ रही है हल्की हल्की। हमारे यहाँ सिरों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी नहीं आ रहा है, बादल हो रहा है, वापस जा रहा है। बच्चे कहें कि मम्मी साइकिल चला लो, मैंने चला लो उस और बार। कितनी चीले घूम रही हैं, कितनी है देखिए, वाह कितनी चीले घूम रही हैं। अरे सर यही है, बादल होते हैं बहुत कड़ाके के, पानी नहीं गिरता है, इंतजार करते पानी गिर जाए तो। जाना है मुझे नीचे, ड्रेस काटूंगी सिलूंगी, लेकिन क्या क्या कर पाती हूँ, बच्चे चलेगा उधर। और खुशबू, ये खुशबू क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फोन चला, फोन चला रही, नेटवर्क की वजह से ऊपर आई हो, नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए फोन चलाने ऊपर आई है। और हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ पर हैं। तो ठंडी हवा चल रही है, बादल भी बहुत हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चों का इंतजार करते हैं, नीचे चलते हैं। बादल हो रहा है तो, लेकिन पानी भी आ गया, पानी भी गिर रहा है, बूंदे बूंदी बारिश हो रही है, दिख नहीं रहा है। नीचे दिखेगा, नीचे देखो, नीचे करो, नीचे भी नहीं दिख रहा है, पानी मगर गिर जरूर रहा है, बूंदे से गिर तो वो नहीं दिख रहा है, ऐसा बूंदे यहाँ से दिख रही है। ये जरूर पानी दिखाई देगा, ऊपर से गिर रहा है भाई। ये लाइट 7 बजे से 8 बज रहा है, 7 बजे लाइट आई है, बहुत देर गई हुई थी, कुछ भी नहीं कर पाए, अंधेरे में बैठे थे, पूजन पाठ कर लिए बस। और दांतों को तोड़ने, बादाम और अखरोट खाना है, अखरोट तोड़ रही है, नहीं बादाम। गिर गया पानी, अच्छा मजेदार, 7:30 बज रहा है और आज पानी भी गिर रहा है। जो लोग लगे बादाम खाने के लिए बहुत देर से पेट भर के खाएंगे, और पानी यहाँ तक आ गए, टब भर रखा था हमने, गड्ढा ना हो जाए, फूल भरा चुका है, टब रखा था, टब भरा चुका है। मैं ड्रेस काटने की सोचते सोचते लाइट चली गई, कंफ्यूज कर, अब देखो क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। अभी फिलहाल तो सोच रही हूँ कि जल्दी किससे डाल दें, फिर एडिटिंग कर लूँ, कल की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सिद्धांत आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय, गुड नाइट।